हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में डिटरमिनेंट्स के बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि इस शॉर्ट ट्रिक से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को आईटी जेई के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में, टीजीटी मैथ्स के एग्जाम में, जो भी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स आपके होते हैं जिसमें डिटरमिनेंट्स आता है, क्लास 12th का सिलेबस आता है, उसमें बहुत हेल्प करने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, कि मैंने एक बहुत शानदार काम आपके लिए किया है। बहुत सारे बच्चे सीयूईटी के लिए शॉर्ट ट्रिक्स के लिए परेशान हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक नया चैनल बना दिया है जिस पर आपको सीयूईटी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सारे टॉपिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारी सीयूईटी से रिलेटेड बातें आपको पता चलने वाली हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पहली कमेंट में मैंने लिंक कर दिया है, और इसके साथ इस चैनल के साथ मैंने उसको ज्वाइन भी कर दिया, उसके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस पर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आगे से सारी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो सीयूटी से खासतौर से रिलेटेड, टीजीटी से खासतौर से रिलेटेड आपको उसी चैनल पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स की शॉर्ट ट्रिक्स, ध्यान से समझेंगे। बहुत ज़्यादा बहुत मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बहुत यूनिक। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पहले मैंने इस पर बता रखी थी, पर मैं आज कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन भी इन शॉर्ट ट्रिक्स में कर रहा हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने आपके सामने है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको जीरो इसने बोला है, फिर इसने पूछा है पी बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई प्लस आर बाई जेड की वैल्यू बतानी है। मैं बोलूंगा एक बार कि वीडियो रिकॉर्डेड है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो। जितना पॉज करके ट्राई करोगे, जितना टाइम दोगे, उतना ही सॉल्यूशन आपको अच्छे से आगे याद रहने वाला है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन करने का बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा, पूरा एक्सपेंड करेंगे हम लोग, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक ये रिजल्ट निकल कर आएगा, उसकी वैल्यू हम लोग फिर कहेंगे कि ये वैल्यू इसकी आ गई। पर मैं इतने लंबे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स की। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात जानते हैं, जब भी किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है तो कब हो सकती है, या तो दो रो सेम होनी चाहिए या फिर एक रो या एक कॉलम जीरो हो। तो एक रो या एक कॉलम जीरो कर देते हैं, तो हमने किसी भी रो कॉलम को जीरो कर दो, इसको जीरो करेंगे तो पी माइनस एक्स, पी माइनस एक्स ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, आर वन को जीरो कर दो तो पी ऑब्वियस जीरो हो गया, क्यू माइनस वाई जीरो हो गया, आर माइनस जेड जीरो हो गया, तो पी जीरो, क्यू इक्वल टू वाई, आर इक्वल टू जेड। यही वैल्यूज यहां डाल दीजिए तो ऑब्वियस है ये आ गया जीरो, क्यू बाई वाई ये आ गया वन, आर बाई जेड ये आ गया वन, तो आंसर आ गया टू, आंसर आ गया टू। सो टू इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आपको यही फंडा लगाना है। अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो दे रखी है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक रो एक कॉलम को जीरो कर दो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। फिर इस कंडीशन में इसको जीरो कर रहा हूं मैं, जो वैल्यू जीरो आई वो यहां डाल दो, पी जीरो है तो ऑब्वियस है पूरा जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, आर जीरो आ गया, तो क्यू बाई क्यू वन, आर बाई आर वन, तो आंसर आ गया टू। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा जो आपने जनरली देखा भी होगा, आईटी जेई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको दिखा है। मैं थोड़ा सा एक बार इसको और क्लियर कर देते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियर हो गई होगी इमेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने आईटी जेई के एग्जाम में जरूर देखा होगा, दो बार क्वेश्चन आया हुआ है वैल्यू बदल बदल के। इसमें भी क्या रहा है, जीरो दे रखा है, बट इसने बोला है कि एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन बताओ। तो ऑब्वियस है, इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप यार इसको जीरो कर दो, क्योंकि एक्स और वाई अगर जीरो कर दोगे तो इसमें रिलेशन कैसे निकालोगे। रिलेशन निकालना है तो ना तो इसको जीरो करना, ना इसको जीरो करना, इसको जीरो कर देते हैं। तो एक्स पी, ध्यान से सुनो मेरी बात, सोचो, इसको जीरो करा, वाई पी प्लस जेड जीरो करा, तो ये वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई माइनस का वाई बाई एक्स, और ये वैल्यू आ गई माइनस का जेड बाई वाई। ठीक है, दोनों पी ऑब्वियस बराबर होंगे, तो माइनस का वाई बाई एक्स माइनस का जेड बाई वाई, तो कितना आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, जो कि हमारा जीपी को बताता है। तो एक्स वाई जेड जीपी में हो गया। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक्स तो ये थी कि जब हमारे पास किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है तो उसकी उससे रिजल्ट जो होता है वो कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी यूनिक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जैसे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। हमारे पास एक क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है। बहुत ध्यान से, जब भी हमारे पास ऐसा डिटरमिनेंट आता है इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, एक पहले जनरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास चार ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए की जगह वन डाल दो,
बी की जगह 2 डाल दो, सी की जगह 3 डाल दो। इसको सॉल्व करने की जगह, एक्सपेंड करने की जगह, कोई प्रॉपर्टी लगाने की जगह हमने A1, B2, C3 डाला, तो एक प्यारा सा डिटरमिनेंट निकल के आएगा, दैट विल बी 2 + 3 = 5, दैट विल बी 1, दैट विल बी 1, दैट इज 2, दैट इज 3, C + A होगा हमारा 4, B होगा हमारा 2, ये 3, ये 3, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से एक डिटरमिनेंट होगा, पक्की बात है, एकदम एकदम बढ़िया है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसका आंसर आएगा 24, मुझे याद है। आप नॉर्मल एक्सपेंड कर दो इसको, इसका आंसर 24 आ गया, ठीक है। आप करना चाहो तो लो कर भी सकते हो, कोई बहुत बड़ा नहीं है ये, ऑब्वियस है। इसमें से 3 कॉमन ले लूंगा, देखो मैं नीचे से 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं लगा लेता हूँ C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3, तो C1 माइनस C3 करूंगा तो ऑब्वियस ही आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। एक्सपेंड कर दूंगा इसके अलाउंग, तो 3 × अभी देखते रहना, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ यार, राइट। तो 4 - 2, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो 24 आ गया, राइट। ए बी सी की वैल्यू 1, 2, 3 डाली, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 24 निकल कर आ गई। अब हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन में ए बी सी की जगह 1, 2, 3 डालते हैं, तो ये आ गया 2 + 6 और +3, 6 × 3 = 9, 2 = 11, नहीं भाई, ए माइनस बी -1 - 1, 2 + 1 + 2 + 3, 3 × 5 = 6, 2 = 12, नहीं, 4 ABC 1, 2, 3, 24 यही आंसर आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, पर ये ध्यान रखना है कि उस पर वो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो रहा हो, मतलब 1/(1 - 1) कुछ आ रहा हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखो, ध्यान से सुनो, ये तो भैया नॉर्मल सी शॉर्ट ट्रिक थी जो आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाएगी, पर मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली और आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनो, ये जो होता है बेटा, इसका डायगनल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगनल, ठीक है। एक ही डायगनल होता है, ये डायगनल नहीं होता, ऑब्वियस है, केवल यही डायगनल होता है, जैसे मैट्रिक्स में हम लोग कहते हैं ना, मान लो ये डायगनल है, तो इसकी डिग्री देखो, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, एडिशन में हो रहा तो 1 है, मल्टीप्लाई में होता तो 2 हो जाती। इसकी कितनी है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री आएगी 3। बोलो भैया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तीनों को ऐड कर दिया, डिग्री को 3 डिग्री आ गई। फिर समझ लो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो डायगनल के तीनों डिग्री को ऐड करा तो डिग्री टोटल 3 आ गई। तो जिस ऑप्शन की डिग्री 3 होगी वही आंसर होगा। इसकी डिग्री है 2, नहीं, 1, 2, 3, 4, नहीं, 1, 2, 3 यही आंसर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर अच्छा एक ऑप्शन और आ जाता मान लो, तो उस कंडीशन में आपको A1, B2, C3 डालना पड़ता, ठीक है, पर ऐसा चांस बहुत कम होता है कि ऐसा ऑप्शन आपको मिले, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं डिग्री वाले फंडे से, सेम क्वेश्चन है बेटा। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता और इसे हम लंबे तरीके से करना चाहें तो बड़ा टाइम लगेगा, एक्सपेंड करो, कॉमन लो, बहुत सारी चीज़ें करो। शॉर्ट तरीका क्या है एक और, जो जनरल आपको यूट्यूब पे मिल भी सकता है, कि ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 डालो, एक वैल्यू आएगी, ऑप्शन में चेक कर लो। मेरा फंडा क्या था, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री भी 2 है, मल्टीप्लाई में 1, 2, 3 या 2, 5, यानी कि डिग्री आ गई 5। तो जिसकी डिग्री 5 आएगी वो आंसर, इसकी डिग्री 3 है, 3 × 4 = 5 = 6, नहीं, समझ पा रहे हो ना यार, मल्टीप्लाई करोगे डिग्री कैसे आएगी, 1, 2, 3, 4, नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 आंसर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल आपका आंसर आ जाता है। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मैंने ऑप्शन बना के आपके सामने ले आया, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है मुझे, तो डिग्री आ गई 6, मैच करो, इसकी डिग्री है 3, नहीं भाई, 1, 2, 3, 4, नहीं भाई, सी आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, एन की वैल्यू पूछी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे क्वेश्चन या एग्जाम में आपको मिलते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ, ट्राई जरूर कर लेना पॉज करके, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेम को फंडा लगाना है, इसकी डिग्री n + 2, इसकी डिग्री n + 3, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, तो डिग्री हो गई 3n + 5, ठीक है, 3n + 5। मैं फिर आपको बता दूं बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स का एक चैनल बना दिया मैंने CUET के नाम से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहली कमेंट में गिवन है, और उसको मैंने लिंक भी कर दिया इसी चैनल से, तो उस पर जुड़ जाइए, बहुत बड़े बड़े सरप्राइज
आपके लिए उस चैनल पर आने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीयूटी से रिलेटेड खासतौर से मैं आपको उसमें देने वाला हूँ, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो 1 n+2 n+3 3 n+5 हो गया, इसकी डिग्री देखो 1 1 1 मल्टीप्लाई हो रही है, 3 हो गई, ये 1 से डिवाइड हो गई तो कितना हो गया, ये 3 था, 1 कम हो गई तो 2 हो गई, भैया 1/2 हो गई ना, तो कितना हो गया, -1 आ गया, ठीक है। तो बेटा ये वीडियो आपको कैसी लगी यार, प्लीज कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, जिससे उनको भी ये चीज पहुंचे। मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी प्लीज मेरे लिए कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर करो, सीयूटी वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक, बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडे चाहिए। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।